हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आशा करती कि आप सब अच्छे होंगे, सब मस्त होंगे, मज़े में होंगे और सब अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो आज मैं ऐसे यूट्यूबर की बात करने वाली हूँ जिन्हें देखकर मैंने यूट्यूब पे आने का सोचा, जिनके वीडियोस मैंने देखे और मुझे उनसे इंस्पायर हुई मैं कि चलो जब ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो वो है कि आयरन वोमेन ब्यूटी की रमा बहन, वो आगरा की है और अभी फ़िलहाल में विशाखापट्टनम में रह रही है और अभी बहुत ही गंभीर सिचुएशन से वो गुजर रही है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा उनका मैं उनके साथ तो नहीं दे पा रही हूँ अभी, पर उनका थोड़ा सा मन हल्का कर देती हूँ। क्योंकि अभी का टाइम ऐसा है ना कि हम किसी को फेस टू फेस साथ तो नहीं दे पा रहे हैं, पर बस बात करके हम थोड़ा सा उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनका दिल थोड़ा सा शांत हो जाता है जब हम किसी से बात करते हैं ना। जैसे कोई किसी प्रॉब्लम में होता है और किसी से बात कर लेते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। वैसे शायद ये वीडियो देखे तो उनको बहुत अच्छा लगे। तो वो उनके हस्बैंड को हो गया अभी कोविड, तो अभी 2-3 दिन पहले से उनकी तबीयत खराब थी, फिर उन्होंने टेस्ट करवाए ना तो वो पॉजिटिव निकले। तो बहुत बेचारी परेशान हो गई, रो रही है पर फेस से कभी बताती नहीं है कि हम बहुत परेशान हैं, हमेशा हंसते हुए ही सामने आती है। और हर कोई यूट्यूबर जो है ना वो एकदम दुख किसी को बताता नहीं, कोई भी हो कोई अपना दुख नहीं बताता है किसी को, कोई रोता नहीं है कि भगवान मेरे साथ ये हो गया, भगवान मेरे साथ ये हो गया। कितना रोएंगे यार, जब एक दिन अच्छे हो जाएंगे तो फिर तो हंसना ही है ना। तो थोड़ा सा बताओ जरूर दुख अपना कि हाँ हमारे साथ ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, पर रोना ठीक नहीं है, किसी के सामने ऐसा रोना नहीं रोना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। तो हमेशा हंसती हुई आती, कितनी समझदार है बताइए, और अकेली है और अभी इस सिचुएशन में वो अपने हस्बैंड के साथ अकेली है और इतनी बहादुर लेडीज है वो कि इस सिचुएशन को वो निकल रही है, उससे उसको पार कर रही है। हाँ अभी जैसे घर में रहती अपने अलग रहती, वो उनके हस्बैंड अलग जॉब करते हैं, उनका घर अलग है तो उनके पास में कोई भी बड़ा नहीं है, वो अपने घर में खुद ही बड़ी है। अभी के माहौल में तो है एक दो लोग उनके साथ छोटे, पर जो बड़ा रहता है ना घर में इंसान कोई, तो थोड़ा सा बोझ कम हो जाता है। तो अभी उनकी सिचुएशन ऐसी है कि बेचारी क्या करे, कोई भी हो अगर हम भी उसकी जगह होते ना तो हम भी घबरा जाते इस सिचुएशन में, और भगवान कभी ऐसा ना करे किसी के साथ। और वो इतनी अच्छी है आयरन वोमेन ब्यूटी की रमा, इतनी अच्छी, इतने अच्छे वीडियोस बनाती वो, और इतने अच्छे उनके वीडियोस वायरल होते हैं। वो जिस हिसाब से उसके वीडियो वायरल होते हैं ना उस हिसाब से वो काफ़ी अच्छा पैसा कमा लेती है यूट्यूब से। तो और उनको ज़्यादा एटीट्यूड भी नहीं है, मच्छर बहुत है हमारे यहाँ। और ना अभी ये कोविड के कारण ना यहाँ पे भी बहुत परेशानी है, यहाँ पर भी बहुत लोग झेल रहे हैं, बहुत लोगों को हो रहा है, बहुत लोगों को। अभी जो ये दूसरी लहर चल रही है ना एकदम एकदम खतरनाक टाइप की है, और इसमें जिसको हो गया तो अगर कोई अगर ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो 2-4 दिन के बुखार में ही लोग निपट रहे हैं। ऐसा बहुत से लोगों को मैं देखी हूँ, सुनी हूँ, बुखार आ रहा है 2-4 दिन तक आ रहा है, अगर चेक करा लिए तो टाइफाइड हो गया और फिर वो ख़त्म। तो और अभी डॉक्टर लोग भी मरीजों को नहीं देख रहे हैं, पता नहीं दूर से ही देख रहे हैं बस, अच्छे से दवाई भी नहीं हो पा रही है टाइम पे, डॉक्टर खुद ही परेशान है तो क्या करें, डॉक्टर खुद ही मौत को गले लगा रहे हैं। और पता नहीं ये सिचुएशन कब दूर होगी, पर हाँ एक ना एक दिन ज़रूर हम इससे उबर पाएंगे, पर जब तक यहाँ है ना तब तक सुरक्षित रहें। पर अब सुरक्षित रहें क्या, अपने आप को ही करना है। अब देखिए अब हम लोग बाहर रह रहे हैं, हमारे हस्बैंड लोग जॉब कर रहे हैं बाहर, उनको जाना ही है, उनको नौकरी करना ही, बिना नौकरी करे तो हमारा पेट ही नहीं पल सकता ना। तो कब तक के हम घर में बैठे रहेंगे, 1 महीना 2 महीना, उसके बाद 1 महीना 2 महीना जो हम लेबल बनाते हैं ना, नौकरी वालों का लेबल चलता है कि हम ये महीना में ये हो गया, ये महीना में ये हो गया, तो वो पूरा सिचुएशन हमारा बिगड़ जाता है। अगर हम 2 महीना अगर ये लोग जॉब ना करें ना तो पूरा सिचुएशन बिगड़ जाएगा, इसलिए नौकरी करना भी ज़रूरी है। क्योंकि नौकरी वाला हो बिजनेस वाला हो वो अपने हिसाब से अपने अपने जो मंथली बजट होता है ना उसको शेड्यूल करके रखता है, तो वही पूरा बजट अगर बिगड़ गया तो फिर उसको ठीक करने नहीं हो पाता है, इसलिए नौकरी जॉब पर जाना भी तो ज़रूरी है, क्या करें, मजबूरी हो जाता है ये, और अभी के कंडीशन में तो मजबूरी है। जब पिछले बार कोरोना आया था मार्च अप्रैल में तब तो कुछ ज़्यादा ही सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं थी, हालांकि थी बाहर थी, पर जो छोटे छोटे हम लोग का ये एरिया है ना यहाँ पे नहीं थे। तो इस बार तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो गई, पूरा पूरा जगह एकदम गड़बड़ हो गया है। फिर भी कुछ तो करना ही पड़ेगा, फिर भी सुरक्षा अपने हाथ में ही है, जितना अपन सुरक्षित रह सके रहने की कोशिश करेंगे हम लोग।
और पिछले बार एक मेरे चाचा की बेटी को हो गया था कोविड, वो लोग दिल्ली से आए थे गांव, तो चार लोग थे, अंकल आंटी उनके दोनों बच्चे, तो बेटी को हो गया था, 16 साल की थी उनकी बेटी, तो फिर उनको बालाघाट में रखा गया था हॉस्पिटल में, तो वो ठीक हो गई थी फिर। पर अभी का ऐसा ना कि फीवर आ रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, टाइफाइड में डाल दे रहा है जो भी हो, और ना ही डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, ना हाथ पकड़ के देख रहे हैं, हॉस्पिटल भी पूरे फुल फुल हैं, कहीं जगह नहीं है, कुछ नहीं। अगर सीट खाली रहती तो लेता है, चाहे वो कितना भी बड़ा करोड़पति क्यों ना हो, तो भी का सीजन, अभी का जो सीजन ये कोरोना आया है ना अभी वाला, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इससे सब लोग बहुत डर गए हैं। और यहाँ तक कि जो मेरा बच्चा पढ़ता है सेंट जोसेफ में, वहाँ के टीचर लोग भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं किसी कारण से, वो कहीं चले गए थे तो अभी उनका क्लासेस भी सब बंद हो गई है। तो वही है कि सब होम आइसोलेशन में सब लोग हैं, कोई मतलब हॉस्पिटल में बहुत कम लोग हैं, जो एकदम रियल हो जाते हैं ना उन्हीं को एडमिट करता होगा लगता है, या फिर सीट रहती है तभी करता होगा। अब हमारा इतना बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ जगह नहीं है, तब क्या बताएं। और हमारा जो बालाघाट एरिया है वहाँ पर भी काफ़ी बढ़ रहा है, मतलब हर जगह बढ़ रहा है, पिछले साल इतना नहीं था पर इस साल बहुत ज़्यादा है। बालाघाट पिछले साल तो नागपुर से सब इधर उधर से बालाघाट लोग आए, पर भी इतना सुनने में नहीं आया, पर इस साल ना कुछ ज़्यादा ही सुनने में आ रहा है, और सुनने में आ रहा है तो आ रहा है, लोग मर भी रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो एकदम डर बैठ गया है। तो भगवान से तो मेरी यही मतलब कामना है कि भगवान जो आयन मोमेंट ब्यूटी की रमा बहन है उनके हस्बैंड को जल्दी से जल्दी ठीक कर दे भगवान जी, और हो जाएंगे, टेंशन की बात नहीं है, हो जाएंगे रमा बहन, आपके पति बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आप काम ही ऐसा करती, किसी का बुरा नहीं करती, तो आपके साथ भी भगवान बुरा नहीं करेगा। और एक बात ये भी है ना कि सही में हम कभी किसी का बुरा नहीं करते, तो हमारे साथ भी कभी बुरा नहीं होता है, हो भी गया, अगर बुरा हो भी गया तो सिचुएशन संभल जाती है ना। तो चलो फिर इस बात को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि ये बात मेरे दिल में एकदम चुभ रही थी, तो मैंने सोचा कि नहीं इसका बोल दिया जाए तो ठीक रहेगा। तो इस बात को मैं यहीं क्लोज करती हूँ, और सबसे एक बार और कहना चाहती हूँ कि सब लोग सुरक्षित रहें, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, तो सब सुरक्षित रहने की कोशिश करें।